फ्लिपकार्ट से एक टेबल मंगाया कंप्यूटर के लिए, इसका लंबाई अगर हाथ मापेंगे लगभग 2 हाथ के आसपास है और चौड़ाई में 1 हाथ जैसा है। तो इसको खोलते हैं। पैकेट के अंदर और एक पैकेट है। ये शायद ट्रांसपोर्ट का नाम है। ये देख लेते हैं कंपनी का कुछ नाम है कि नहीं। यस, कुछ नहीं है, बस से लिखा हुआ है कंप्यूटर टेबल। तो इसको खोलते हैं। एक बोर्ड आया है, ये शायद कीबोर्ड का होगा। नहीं, यही वाला टॉप वाला है, किसका है मालूम नहीं। एक ही बोर्ड का है। 3 बोर्ड मिला है और बाकी मेटल स्ट्रक्चर है, होल सब किया हुआ है। कीबोर्ड के लिए ट्रे दिया, इसको फिट करने के लिए सामान दे दिया है। देख लेते हैं इसके अंदर और कुछ है कि नहीं। नहीं, कुछ नहीं है। लगता है ये बेस होगा। इसको ऐसे पीछे से ऐसे रखना पड़ेगा, ये इसके अंदर रहेगा। उसके बाद ये वाला इस पे डाल देते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। इसको ऐसे पकड़ के ये घुमाने से हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा तरीका वही है, एक ऐसे पीछे रखना है और दूसरे को ऐसे डाल देना है।
ऐसे टाइट हो जाएगा किया था। उसके बाद उसी तरीके से इसको सेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, ये लोग कुछ टूल नहीं दिया है सब फिट करने के लिए। मेरे पास ये स्क्रू के अलावा कुछ है भी नहीं, तो सेम वही वाला चीज़। इसके एक साइड में एलन स्क्रू है, लेकिन मेरे पास एलन की नहीं है, देखते हैं क्या होगा। इस ट्रे को फिट करेंगे। ट्रे के लिए वही चीज़ है, एक साइड का ये नाट है, दूसरा साइड का एक स्क्रू दिया है। चलिए मिडिल वाला फन, ये बीच वाला होगा, ये मिडिल वाला। उसके बाद ये वाला, इधर भी हो गया। अभी इसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं इसको लगाने। सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है, इसके लिए पहले से ड्रिल का दरकार नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। ऐसे पहले उल्टा कर लेना है, हम लोग पहले ही दोनों को लगा लिया। इसको बिठाते हैं और टाइट करते जाना है, ये इसी में होते होते चला जाएगा। का एक बंद गया, अभी वो कीबोर्ड वाला इसको लगाएंगे। इसको फिट कर लिया दोनों साइड में, अभी इसको डाल देते हैं। बैठ गया है, ये बन चुका। अभी हम लोगों का नेक्स्ट काम है इसको बिठाना, ये बिठा देंगे तो हो जाएगा। लगभग बीच में बिठा लिया, अभी लगाते हैं इसको। ये इसको से टाइट कर रहा हूँ, पोजीशन में हो चुका है। उसके बाद वो वाला साइड करेंगे कोना का। ठीक है, पोजीशन देख लेते हैं, लगभग लगभग ठीक है। इसको बिठाएंगे, ये मेरा स्पेशल हथौड़ा है।
चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। यस यस, कीबोर्ड छोटा है